खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। आगरा में थाना फतेहाबाद इलाके के पास एक अस्पताल में बीते दिनों हुई प्रस्तुता की मौत के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल को सीज कर दिया है। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि प्रस्तुता की मौत के मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है और जल्द ही उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नारायणी हॉस्पिटल के नाम से किसी और अवैध रूप से एक हॉस्पिटल चलेगा, उसकी सूची कल रात को हम लोग भी DM कंट्रोल रूम से मिल गए। फिर थाना अध्यक्ष से बात करने के समय बता रहे कि एक महिला की मृत्यु हो गई, उसके लिए हम लोग आज जांच के लिए आ गए पूरा CMO टीम के साथ, CMO टीम पुलिस टीम के साथ आ गए। उसके अवैध रूप से कुछ बेड्स अंदर रखा हुआ है, इसके लिए हम लोग सील किया था। सील के बाद अगली कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसके तरीके से अगर किसी और हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहे हैं, इनके अभियान चले के पूरा इनको खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी सूचना मिली थी, ये एक नई बिल्डिंग बनी है जिसमें घटना घटी है, इसमें निरीक्षण किया है, अंदर बेड पड़े हुए हैं, एक ब्लड की यूनिट भी अंदर ऐसा चढ़ी हुई है लेकिन कमरा बंद है, वो ताला पड़ा हुआ और काफ़ी बायोवेस्ट है। पूरी चीज़ को देख के उसको सील कर दिया गया और बाद में यहाँ जो निरीक्षण पूरा विधिवत हुआ, पूरा उसके आधार पर पूरी विधिवत कार्रवाई हुई। मंडलायुक्त MP अग्रवाल ने अंबेडकर नगर के अकबरपुर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने पंजीकरण कक्ष के रजिस्टर का अवलोकन किया, साथ ही OPD और सामान्य विंग का भी जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे सभी प्राप्त व्यक्तियों को 100% दिए जाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए। जिला अस्पताल का निरीक्षण किया उन्होंने, लगभग 1000 OPD है पर डे के हिसाब से, और उसके अलावा जहाँ जहाँ OPD में डॉक्टर मरीज दिखाने जाते हैं, ENT में लगभग 70-80 मरीज थे और जनरल फिजिशियन में 50 मरीज थे, और काम बड़ा अच्छा है जिला अस्पताल का। और मिस्टर गौतम है यहाँ के CMS, इनको हम प्रशस्ति पत्र भी देंगे इस बात पे कि इन्होंने अच्छा यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, साफ़ सफाई भी अच्छी है और मरीज भी अच्छे हैं और कोई डॉक्टर सब भी बहुत अच्छे हैं। उत्तर भारत में बीते दिनों हुई लगातार बारिश के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई। फसल खराब होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला हमीरपुर के राट कस्बे का है, जहां फसलें बर्बाद होने की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुबह जब सब लोग ने सोचा कि मतलब क्यों नहीं जग रहा है, तो उनके बाद दरवाज़ा खटखटाया, खटखटाने के बाद इसने जब नहीं खोले दरवाजे तो फिर दो चार लोगों को बुलाया कि क्यों नहीं खोल रहा, फिर दरवाज़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद देखा कि वो इसने फांसी लगा दी। ललितपुर के निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत हो जाने से उसके परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में उसका शव रखकर जमकर हंगामा किया। चिकित्सकों के मुताबिक युवक नशा किए हुए था और इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। युवक की मौत होते ही उसके साथ आए तीमानदारों ने स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रता की और अस्पताल में खूब बवाल काटा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर मृतक के शव को मॉर्चरी में भिजवा दिया। नेहरू नगर का पेशेंट था, अत्यधिक शराब के नशे में आया था, जो थोड़ा वैसी हालत में था, पेट दर्द की कंप्लेन थी उसको, उसको भर्ती करके इलाज शुरू किया गया। पहले इंजेक्शन दिए गए, फिर घर वालों से कहा रायल्स ट्यूब डलवाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ललितपुर में तालबेहट कस्बे के पास बनी भारतगढ़ दुर्ग की सुरंग में शव छत विक्षत हालत में मिला, जहां घूमने आए सैलानियों ने शव को देखकर
जहां घूमने आए सैलानियों में शव को देखकर हड़कंप मच गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर शव की शिनाख्त तालबेहट के ही रहने वाले अधेड़ के रूप में की है। पूछताछ में मृतक के परिजनों ने बताया कि अधेड़ पिछले 2 महीने से लापता था। फिलहाल पुलिस ने शव को जांच के लिए भेजते हुए आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लापता नाबालिग का शव आज खेत से बरामद हुआ है। शव को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले पर मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की बलात्कार के बाद हत्या की गई है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भारत की GDP ग्रोथ रेट 4.8% से भी नीचे जाने का अनुमान जताया है। इसी अनुमान पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि IMF अब केंद्र का हमला झेलने के लिए तैयार हो जाए। साथ ही चिदम्बरम ने ये भी कहा कि IMF को 4.8% ग्रोथ रेट देने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ग्रोथ रेट इससे नीचे गिरे। ब्राजील के राष्ट्रपति इस हफ्ते भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो 24 से 27 जनवरी के बीच 4 दिनों की राजकीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो को भारत आने का न्योता दिया था। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो ही भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने मेरठ के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान अठावले ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस और बसपा सहित विपक्षी दल भ्रम फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कानून से किसी भारतीय मुसलमान को कोई खतरा नहीं है। झांसी में गुंडों की दबंगई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला थाना मौरानीपुर के पास का है, जहां इन गुंडों ने एक शादी वाले घर में जाकर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस दौरान कर्मचारियों को बचाने आए उनके मालिक को भी गुंडों ने पीटा। इतना ही नहीं, जब काम खत्म करके सभी लोग अपने घर जा रहे थे, तब दोबारा इन गुंडों ने कर्मचारियों को रोककर फिर से मारपीट की, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुंडों और होटल कर्मचारियों को गिरफ्तार करते हुए थाने ले गई। अभी तक जानकारी में आया है कि थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में एक विवाह घर में आपस में ये दो पक्ष किसी गलत फहमी में हाथापाई लड़ाई झगड़ा कर लिए थे। फिलहाल थाने से सूचना मिली, शांत व्यवस्था कायम की गई और उसमें आगे जांच प्रचलित है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।